हेलो एवरीवन यू अगेन वेलकम टू वेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स आज हम बात करने जा रहे हैं द रिनेसा ऑफ वंडर, द एज ऑफ वर्ज वर्स या इसे रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है सो so, द रेनेसा ऑफ वंडर फ्रॉम 1798 टू तो 1850 द एज ऑफ वर्ज वर्स जो इसके रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द एज वॉज वर्ज वर्स पब्लिकेशन ऑफ लिडिकल बैलेट सेवनटीन नाइनटी एट ये डेट आपको याद रखनी है बिकॉज फ्रॉम देयर वी कंसिडर स्टार्टिंग ऑफ दिस दिस इज और यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज यू कैन रिमेंबर दैट सेवनटीन एटी नाइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड द एज ऑफ रोमेंटिसिजम वाई दिस इज कॉल्ड दॉइंट सम ऑफ लिटरेरी हिस्टोरियन कॉल्स एट बट इफ़ इन एग्जाम इट इज़ आस्ट अगर किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट होता है तो हमें सेवनटीन नाइनटी एट से ही इसे आंसर uh, करना है बट सेवनटीन एटी नाइन को सिर्फ मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एज होता है या जो एज का एक कॉन्सेप्ट है लिटरेचर में वो यूजली uh, हम कहेंगे कि फ्लैक्सीबल होता है कि कोई पर्टिकुलर एक ईयर को हम स्टार्टिंग uh, पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं मान सकते उस उस एज के पहले का भी एक ट्रांजिशनल पॉइंट टाइम होता है और एक उससे बाद का भी ट्रांजिशनल पॉइंट होता है तो 1789 को क्यों मानते हैं इसलिए मानते हैं क्योंकि जो ब्लेक थे पॉइंट उनका उनके दो वर्क आए थे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस तो ये जो दोनों वर्क थे इन दोनों वर्क्स में जो रोमांटिसिज्म था वो हमें देखने को मिलता है इसलिए 1789 को भी स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है कंसीडर किया जाता है बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि 1798 ही हमें सेलेक्ट करना है पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट 1798 दिस इवेंट गिव अ डेफिनेट शेप एंड डायरेक्शन टू द मूवमेंट ये जो लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन हुआ था वहां से हमें एक डेफिनेट शेप मिलती है इस एज की सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखनी हैं वर्ज वर्स और कॉलरज डिड नॉट क्रिएट और इनिशिएटेड यहाँ पर वर्ज वर्स और जो कॉलरस थे इन्होंने ना तो इसको क्रिएट किया था इस मूमेंट को और ना ही उन्होंने इसको शुरू किया था मीन्स उन्होंने खुद इसको नाम नहीं दिया था द बिगिनिंग ऑफ़ दैन बी ट्रेस अर्ली एटीन सेंचुरी और जो ये एज है उसकी जो स्टार्टिंग है जैसा मैंने आपको बताया वो अर्ली एटीन सेंचुरी से ही हमें ये चीजें देखने को मिल रही थी सम प्रसर्स कैन बी अगर हम प्रीकर्सर्स ऑफिस ऑफ वंडर या एज ऑफ वर्ज वर्स या रोमेंटिसिजम कहें तो हम कह सकते हैं कि थॉम्सन ग्रे एंड कॉलिन्स ये इनको हम प्रीकर्सर्स मान सकते हैं प्रीकर्सर्स का मतलब होता है कि जिनकी वजह से ये आ, एज या ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिन्होंने इसको डेवलप होने में मदद की थी रिवाइवल ऑफ एल्जाबेसन रोमांटिसिज्म तो जो एल्जाबेसन के टाइम में जो रोमांटिसिज्म था एक्चुअली व्हाट इज रोमांटिसिज्म रोमांटिसिज्मिया ऑफ राइटिंग विथ फ्री एक्सप्रेशन फ्री एक्सप्रेशन जो है वो रोमांटिसिजम का सोल हम उसे बोल सकते हैं राइट right, तो जब भी हम कहेंगे रोमांटिक आइडियाज़ रोमांटिक वर्क इट मींस उस वर्क में फ्री एक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है रिवाइवल मीन्स स्प्लेंडेड आउटबर्स्ट ऑफ लिटरेचर इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ अगर हम इसे रिवाइवल वर्ड का जो मीनिंग लेंगे वो कहेंगे कि एक हमें स्पलेंडेड आउटबर्स्ट ऑफ लिटरेचर देखने को मिलता है सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टू रिमेंबर और ये जो सीरीज़ है जिसमें मैं ऑलरेडी तीन वीडियोस बना चुका हूँ उस इन वीडियोस का सिंपली ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका हम डिस्कशन करते जाएं और उसे इन डेप्थ समझने की कोशिश करें सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करना यहाँ पर इस सीरीज़ का काम नहीं है सम सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टू रिमेंबर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं अगर आप लोगों को एज ऑफ रोमांटिसिजम या एज एज या ऑफ रोमेंटिस वर्ड को आपको याद रखना है तो या समझना है अनब्रिडल्ड इमेजिनेशन द ग्लो ऑफ पैशन एंड इमोशंस सो दीज थिंग्स वी सॉ इन दर्क ऑफ रोमांटिक राइटर्स इमेजिनेशन पैशन इमोशन द जॉय ऑफ़ न्यू फाउंड फ्रीडम एंड पावर ऑफ माइंड तो यहाँ से जो फ्रीडम ऑफ जॉय है और जॉय ऑफ़ फ्रीडम है और पावर ऑफ माइंड है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं द रिनेसा वॉज अपोजिट टू ऑगस्टन्स बहुत बार मैं अपनी uh, उसमें बता चुका हूँ कि जो रिनेसा है वो ऑगस्ट का ऑपोजिट है क्योंकि ऑगस्ट जो है वो है आपके क्लासिक्स ऑलराइट सो जो क्लासिक्स है वो सिंपली ऑपोजिट है किसका आ, का या हम कहें कि रोमांटिसिज्म का क्योंकि रोमांटिसिज्म है फ्री एक्सप्रेशन ऑगस्टन पोइट्स उनको कहा जाता है जो ग्रीक जो किंग थे ऑगस्टस उनके टाइम पे जो भी ना, बेस्ट वर्क्स लिखे गए थे बेस्ट राइटर्स जो थे वो उनको फॉलो करते हैं तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं ऑगस्टन्स लेट स्ट्रेस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ सिंप्लिसिटी क्लैरिटी प्रोपर डेकोरम एंड मॉडरेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को आपको मिलेगी ये वर्ड्स आप याद रख लीजिए कि वो किस चीज़ पे फॉलो फोकस करते हैं ऑगस्टन्स जो होंगे वो फोकस करेंगे डेकोरम मॉडोरेशन ऑलराइट परफेक्ट फिनिश गुड सेंस एंड रीजन वट अबाउट रनेसा राइटर्स तो यहाँ पे मैंने नोट बनाया सी अब सी अब का मतलब है कि आपको ये देखना है कि वो किस चीज के बारे में केयर करते हैं ऑगस्टन्स केयर करते हैं परफेक्ट फिनिश पे डेकोरम पे मॉडरेशन पे इन चीजों पर फोकस करते हैं अपनी राइटिंग में हम राइट right. फिक्स रूल्स uh, होते हैं उनके बट जो रेनेसा राइटर्स होते हैं या हम कहें रोमांटिक राइटर्स होते हैं वो जॉय ऑफ़ न्यू फ्रीडम इमो इमोशन और इमेजिनेशन पर लिखते हैं तो यहाँ पर आपका जो क्लासिक्स या क्लासिसिज्म है या हम कहें रोमांटिसिज्म है ये दोनों टर्म बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ राइट सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वन नेचुरल रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्प्रिट ऑफ एटीन सेंचुरी एंड अगेंस्ट आर्टिफिशियलिटी इन पोएट्री तो जो हमें आर्टिफिशियलिटी पोइट्री में देखने को मिल रही थी उससे जो पोइट्स थे वो फेडअप हो गए थे uh, कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं या बता रहे हैं कि जो इंग्लिश है उसे ज़्यादा यूज किया जाए सो आई विल मेक द अनदर सीरीज आफ्टर दिस जस्ट इन इंग्लिश देर विल बी ओनली इंग्लिश एक्सप्लेशन ऑल राइट सो तब तक आप हिंदी सुन सकते हैं और हिंदी एक्सप्लेशन देख सकते हैं नेचुरल रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्प्रिट ऑफ एटीन सेंचुरी जो नेचुरल ये एक रिवॉल्ट था क्लासिकल स्प्रिट जो अब देखिए मैंने आपको कहा कि कोई भी एक एज होती है जब कोई एक एज होती है वो दूसरी एज को इम्पैक्ट करती है फिर दूसरी तीसरी एज को इम्पैक्ट करेगी तो जो फर्स्ट एज है उसका हमें रिवॉल्ट सेकंड में देखने को मिलता है थर्ड देखने को मिलता है देन उसका रिवॉल्ट हमें फोर्थ में देखने को मिलता है कहने का मतलब ये है कि अगर इस एज में साइंस बहुत ज़्यादा यूज हो रही है तो अगले एज में आप देखोगे कि लोग क्या हो गए जो पोइट हैं वो साइंस से फेडअप हो जाते हैं और अगले उसमें वो फ्री एक्सप्रेशन चाहते हैं अब कहीं ये इतना फ्री एक्सप्रेशन हो जाता है कि पोइट्स अपने जो जो उनका राइटिंग स्टाइल है उससे भटक जाते हैं सो देन दे कम टू रूल्स अगेन तो रूल्स अगेन दोबारा आते हैं वो रूल्स पे तो क्लासिसिज्म हो कहते हैं या आप कहेंगे शिडो क्लासिसिज्म देखने को हमें मिलता है तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं एजेस को आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा चीज़ों को पढ़ने के लिए और जो एक डाउट होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती वो चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होंगी क्योंकि आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे आप एनालाइज़ कर पाएंगे चीज़ों को अगला जो है उसे देखते हैं दिस स्प्रिट वॉज एक्सेंटेटेड एक्सेंचुएटेड सॉरी बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन अब इससे जैसा मैंने कहा कि 1789 ये आपको पता होगा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की का ईयर है अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी एक्सेंचुएट किया मीन्स जो रोमांटिक चीज़ें थी ओके उसको आगे बढ़ाया क्यों क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लिबर्टी की बात की इक्वालिटी की बात की फ्रेटर्निटी की बात की तो ये जो उनके स्लोगन थे तो उन चीज़ों ने मोटिवेट किया राइटर्स को इस तरह से लिखने के लिए वट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमेंटिसिजम मिस्ट्री द सप्टल सेंस ऑफ मिस्ट्री दे एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन पास्ट लव ऑफ नेचर स्परिचुअलाइज नेचर सो नेचर इज नॉट सिंपल नेचर बट इट इज़ स्परिचुअलाइज एंड इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी

नेचर के लिए लव है और जो नेचर है वो स्परिचुअलाइज है आध्यात्मिक है इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी लव फॉर द एलिमेंटल सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड रिटर्न टू नेचर उन्होंने लोगों से कहा कि वापस नेचर की तरफ चलो एंड फाउंड इंस्पिरेशन यहाँ पे नेचर के दो मतलब हैं एक है ह्यूमन uh, नेचर से रिलेटेड एंड सेकेंड इज़ यू नो द नेचर सो फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन ये सबसे बड़ा जो है क्वालिटी अगर हम कहें रोमांटिसिज्म की तो वो है आपका फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन सब्जेक्टिविटी एंड इस्पॉन्टेनिटी के सो स्पॉन्टेनिटी एंड इमेजिनेशन दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और एवरीडे लाइफ जो इंस्पिरेशन है उन्हें एवरीडे लाइफ से लेने के लिए जैसा कि वर्ड्स वर्थ ने कहा स्पेकुलेटिव एंड इनकुजिटिव टेंडेंसी एंड रिजेनरेशन ऑफ पोइटिक स्टाइल तो उन्होंने पोइटिक स्टाइल्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए और नई नई जो पोइटिक स्टाइल्स थी उन पर लिखना शुरू किया अब इसमें जो पोइट्री पोइट्री है रोमांटिक पोइट्री है उसके बारे में बात करते हैं दिस एज इज कंसिडर द एज ऑफ पोइट्री ये ईज ऑफ पोएट्री कहलाती है जैसे कि विक्टोरियन एज को हम एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं तो रोमांटिक पोइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टू जनरेशन दो जनरेशन में हम क्लासिफाई करते हैं पहली जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वर्ड वर्ड्स कॉलरेज और साउथी इन्हें लेक पोइट्स भी कहा जाता था क्योंकि ये लेक में रहते थे लेक के नज़दीक में रहते थे एंड बायर इन शैली एंड किट्स ये आपकी सेकेंड जनरेशन थी तो दो जो दो जनरेशन हैं उनमें फर्स्ट में वर्ज वर्ज कॉलरेज और साऊदी हैं और सेकेंड में बायर इन शैली एंड किड्स हैं वर्ज वर्स अगर हम थोड़ा क्वालिटी देख लेते हैं सारी पोइट्स की आ, उन्हें इनडेप्थ जानने के लिए तो वर्ज वर्स ने फोकस किया था सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल पर कॉलरेज ने वंडरफुल म्यूजिक दिया मीन्स वी uh, रीड हिज पोइट्री वी फील द म्यूजिक बायर एन विगरस एंड ऑडिटोरिकल स्टाइल तो उनका जो ऑरिटोरिकल स्टाइल था विगरस स्टाइल उनका हमें देखने को मिलता है शैली रिच हारमोनीस सो शैली के शैली के अगर हम वर्क्स में देखें तो रिच हारमोनीस देखने को मिलती है एंड इन कीट्स पिक्चरिस्क एंड वर्ड पेंटिंग और कीट्स के अगर आप वर्कस को देखेंगे तो आपको पिक्चरिस्क स्टाइल मिलेगा मीन्स जहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन वर्ड्स से बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको हम पिक्चरिस्क स्टाइल बोलते हैं इन द सर्च ऑफ थीम्स वर्ड्स वर्ड्स गोज स्ट्रेट टू कॉमन लाइफ और अगर वर्ड्स वर्ड्स की थीम्स के बारे में बात करें तो वर्ड्स वर्ड्स को जो थीम्स उन्होंने ढूंढी वो कॉमन लाइफ से उन्होंने निकालने की कोशिश की फॉर सच थीम्स ही सिलेक्टेड द लैंग्वेज रियली यूज बाय द मैन यहाँ पर ही उनका हम कहें कि कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है वर्ज वर्ड्स से तो इसी थॉट पर होता है कि जहाँ पर वर्ज वर्ज वर्ड्स कहते हैं कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री की वो बिल्कुल कॉमन लाइफ की होनी चाहिए और लेकिन ये बात वर्ड्स वर्ड्स एग्री नहीं सॉरी कॉलरिज एग्री नहीं करते इस बात के लिए he avoids the gaudiness and insane phraseology which was used by 18th century poet. तो जो gaudiness और insane phraseology तो phraseology किस चीज का हिस्सा है ये है आपका augustan poets का classics poet का वो phraseology पर बहुत ज़्यादा use focus करते हैं तो इससे free होकर जो words वर्थे वो लिख रहे थे language of men इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन इट शुड हैव अर्टिन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन और यहाँ पर इमेजिनेशन का यूज़ भी उन्होंने कहा वर्ज वर्ज ने कहा कि इमेजिनेशन का यूज़ भी होना चाहिए ही डिक्लेयर्स देअ नीद इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिस्टिंगशन बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मिट्रिकल कॉम्पोजिशन तो यहाँ पर बड़ा ही आ, ये हम कह सकते कि बाद में क्रिटिक के लिए एक आ, बहुत बड़ी चीज थी कि उन्होंने कहा कि जो प्रोज है और जो मिट्रिकल कॉम्पोजिशन है मीन्स पोइट्री है उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए इमेजिनेशन इज सोल ऑफ रोमांटिसिज्म और जो इमेजिनेशन है मैंने कहा आप लोगों को कि इमेजिनेशन ऑफ फ्रीडम ये सोल ऑफ रोमांटिसिज्म है नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो हैं आपके हैं एस टी कॉलरेज सेम टर्स कॉलरेज ही वॉज बॉर्न इन सेवनटीन सेवेंटी टू एंड डाइड इन एटीन थर्टी फोर हिज बेस्ट पोइट्री वॉज बिटवीन सेवनटीन नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट जो उन्होंने अपनी बेस्ट पोइट्री लिखी वो नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट के बीच में लिखी थी हिज़ फर्स्ट बुक वॉज पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स उनकी जो पहली जो बुक थी

19 पोइम्स थी वो लिखी गई थी वर्ज के द्वारा एंड फोर बाय कॉलरिज द मोस्ट नोट वर्दी ऑफ कॉलरिज पोइम इज द राइम ऑफ द एंशंट मरीना और जो बेस्ट उनकी जो पोइम मानी जाती है वो है आपकी द राइम ऑफ एंशंट मरीना जो नेक्स्ट पोइम है उन्होंने लिखी वो है क्रिस्टाबेल ही रोड फर्स्ट पार्ट इन सेवनटीन उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट लिखा था वो 1797 में लिखा था एंड सेकंड पार्ट इन 1800 हंड्रेड रिमेन अनपब्लिश्ड टिल एटीन और जो उन्होंने सेकंड पार्ट लिखा था वो लिखा था 1816 में और ये अनपब्लिश रहा 1816 सिक्सटीन तक राइट सॉरी एटीन में उन्होंने लिखा था और एटीन तक वो अनपब्लिश वर्क रहा उनका नेक्स्ट वर्क है कुबला खान रिटर्न इन 1798 ये 1798 में लिखा गया था अ फ्रेगमेंट पेंटिंग अ गॉर्जियस ऑरियंटल ड्रीम पिक्चर और जो कुबल खान है वो एक फ्रेगमेंट है जिसमें कि उन्होंने एक ड्रीम पिक्चर लिखा फर्स्ट एट मिड नाइट उनकी एक ब्यूटीफुल पोएम है फ्रेंड एंड ओल्ड ओल्ड डिजेक्शन हीस दॉस ऑफ हिज शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन तो यहाँ पर जो ओल्ड डिजेक्शन ओल्ड है उसमें जो हम कह सकते हैं एक जो थीम है उसका बेस्ट थीम है वो है उन्होंने यहाँ पर जो लॉस ऑफ शेपिंग स्प्रिट ऑफ इमेजिनेशन है इसके लिए वो यहाँ पर आ, करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन कॉलरेज तो जो इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसका कॉलरेज पर क्या इम्पेक्ट पड़ा उन्होंने लिखा लिबर्टी द सोल ऑफ लाइफ तो लिबर्टी फ्रेटर्निटी ये जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन थे तो हम देख सकते हैं कि लिबर्टी द सोल ऑफ लाइफ शेल रेन शेल थ्रॉब इन एवरी पल्स शेल फ्लो थ्रो एवरी वेन सो दिस दिस वर लाइंस बाय कॉलरिज टू वर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कॉलरिज है उन्होंने वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी थी उससे वो इंफ्लुएंस थे

इन दो वर्क्स में मिलते हैं ओड ऑन डिपार्टिंग सेवनटीन नाइनटी सिक्स और जो फ्रेंड्स एंड ओड सेवनटीन नाइनटी एट की पब्लिकेशन डेट भी है मिस्ट्री एंड सुपर नेचुर अगर हम कॉलरेज की पोइट्री को देखें तो उसमें हमें मिस्ट्री एंड सुपर नेचुरिज्म दोनों चीजें मिल देखने को मिलती है मिस्ट्री जो है वो रोमांटिक पोइट्री का एक uh, हम कह सकते हैं हिस्सा है सुपर नेचुरलिज्म ये हमें पोएट्री में देखने को मिलता है कॉलरेज के इट वॉज एग्रीड दैट माई इन शुड बी डायरेक्टेड टू पर्सन एंड कैरेक्टर सुपर नेचुरल एंड एटलीस्ट येट सो एज टू ट्रांसफर फ्रॉम आर इन वर्ल्ड नेचर अूमन नेचर एंड सिम्बेलेंस ऑफ ट्रुथ सफिश टू procure those for these shadows of imagination that willing suspension so now you can see this one this is uh, uh, the best line you can remember for your exam willing suspension of disbelief for the moment when constitutes poetic faith uh, he wrote these lines so willing suspension of disbelief is uh, these lines are asked in several exams exam तो ये है उनका इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया ये बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये लाइन आती है फाइनेस्ट यूज ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट मरीना उन्होंने जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज किए थे वो एनशियट मरीना में क्रिस्टाबेल में और कुबला खान में यूज किए थे लव ऑफ नेचर फादर ऑफ अर्थ एंड हैवन ऑल कॉन्शियस प्रेजेंस Of the universe, nature's vast ever acting energy, and will indeed impulse of all in all. So these were his ideas about love of nature and dreaminess. A savage place as holy and enchanted as ever been this, a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover. So these are the uses of dreaminess in his poetry. wonderful cadence example we can see here. for he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise. in kubla khan he wrote these. so remember all these quotations for your exam. to third uh, poet, hai, he is sir walter scott. or ye ye a historical novel, ke liye Uh, याद किया जाता है ही इज़ फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल इन इंग्लिश लिटरेचर वॉल्टर स्कॉट हर हिज फर्स्ट कलेक्शन मिनिस्टर्स ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर इन एटीन जीरो टू टू जीरो थ्री इन दिस वर्क ही कंपाइल्ड हिज ऑल द पोइट्री यहाँ पर उन्होंने अपनी जो पोइट्री uh, थी वो इस फर्स्ट कलेक्शन में पब्लिश की थी द लेडी ऑफ द लास्ट मिनटर 1805 में पब्लिश हुई थी थ्रेड ऑफ गॉथिक सुपर नेचुर यहाँ पे जो गॉथिक सुपर नेचुरलिज्म था उसके बारे में उन्होंने लिखा था मॉरमेम मॉर्मेयम इज द पावरफुल नेरेटिव एंड द लेडी ऑफ लेक एटीन जीरो टेन रिमार्केबल फॉर पिक्चरिस्कनेस तो यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे डिस्क्रिप्शन दिए हैं इसलिए पिक्चरिस्कनेस वी uh, शुड रिमेंबर एंड द रॉक बाय 1813 सीन स्विफ्ट्स टू द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड द ब्राइडल ऑफ टायरमियन इन 1813 ही रोड दिस वर्क एंड द लॉर्ड ऑफ आइल इन 1814 शोज डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क्स नेक्स्ट लॉर्ड बायरन सेवनटीन एटी एट टू एटीन ट्वेंटी फोर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इस वर्क इज आवर्स ऑफ एडलनेस इट वॉज फरशली अटैक्ट बाई एडनबर्ग रिव्यू तो ये जो वर्क था फर, उनका फर्स्ट जो कलेक्शन था आवर्स ऑफ एडलनेस जो कि एटीन जीरो सेवन में पब्लिश हुआ था इसे एडिनबर्ग रिव्यू ने काफ़ी अटैक किया था बायरन रिप्लाइड और बायरन ने Uh, जो रिप्लाई किया था वो किया था लिखकर इंग्लिश बार्ड्स स्कॉटिश पोइट तो उन्होंने एक सटायर लिखकर इडनबर्ग रिव्यू को रिप्लाई किया था इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश स्कॉटिश सटायर पोइट्स ही विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस लाइक पुर्तगाल स्पेन जिब्राल्टर माल्टा ग्रीस एंड एशिया माइडर तो काफी सारे प्लेसेस उन्होंने बायरन uh, ने विजिट किए थे हिज टूर इंस्पायर्ड हिम टू राइट चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रमेज और ये जितने उन्होंने टूर किए थे उनके इंस्पिरेशन से ही उन्होंने चाइल्ड हेरोमेज लिखा था एटीन जीरो टू ऑनली टू कैंटोज ही रोड बट इट वॉज इमेंसली पॉपुलर बायरन सेट आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है कि ये किसने कहा था कि आई वो कप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस तो ये बायरन ने कही कहा था नाउ ही रोट इसके बाद उन्होंने कुछ वर्क्स और लिखे थे द कर्स ऑफ मिनरवा उनके कुछ वर्क्स हैं कर्स ऑफ मिनिर इन एटीन टी वर्स इन एटीन थर्टीन दिन 1813 अगेन एंड द्राइड ऑफ एबिडॉस इन एटीन थर्टीन एंड द corsia in 1814 he also wrote the vision of judgment this is important work by byron lara in 1814 hebrew melodies 1814 and parisina and third canto of child Herald in 1816 in venice so he was in venice that time he wrote the third canto of child pilgrimage or here you can see uh, in

उनमें से कुछ हैं मैनफ्रेड केन एंड अनफिनिश्ड डॉन जुआन उनकी जो डॉन जुआन है वो अनफिनिश्ड वर्क था वो इसी टाइम लिखा गया था सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन कीट्स जॉन कीट्स लिव्ड बिटवीन 1795 एंड नाइन टू एटीन ट्वेंटी क्लार्क काउडन क्लार्क जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने उन्हें फेरी क्वीन की एक कॉपी दी थी काउडन क्लास वॉज हिज फ्रेंड हु गेव हिम अ कापी ऑफ फेरी क्वीन हिज नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैंस होमर एंड देर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ होमर्स एलियट जो होमर्स का एलियट था चैपमैन ने इसे ट्रांसलेशन किया था जैसा हमने देखा पिछले उसमें पिछली वीडियो में कि चैपमैन ने होमर्स एलियट को ट्रांसलेशन किया था और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इस राइटर पे जॉन uh, किट्स पे और जॉन किट्स जब इन्फ्लुएंस हुए होमवर्क एलियट से तो उन्होंने ये वर्क लिखा 1816 ही केम इन विद में वो लिखाट के कॉन्टेक्ट में आए थे एंड इन uh, 1818 एटीन एंडीमियन सेवरली क्रिटिसाइज इन द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन जो एंडमियन था उसे काफ़ी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था दोनों जो क्वार्टरली थे क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन दोनों ने इस वर्क को एंडमियन को अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जो इसका पार्ट है उसे काफी क्रिटिसाइज किया था एंड देन नेक्स्ट आर हियर इन 1820 ही रोट लैमिया एसबेला एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस दीज वर रिजल्ट ऑफ एटीन एटीन हिज ब्रदर्स टॉम डाइड ऑफ कंजप्शन एंड ही वॉज डीप एगनाइज लव अफेयर सो जो लेमिया है वो उन्होंने एटीन एटीन में लिखा था जब उनके उनका जो ब्रदर था टॉम वो कंजप्शन की वजह से मर गया था और जो इस बिला है डीप एंड एगनाइजिंग लव अफेयर जो उनका लव अफेयर था तो उसके बारे में उन्होंने इस सब बेला लिखा था सेंट ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये लिखा था उन्होंने विद फैनी ओके ये उनका फैनी ब्राउन है उनकी आप गर्लफ्रेंड uh, कह सकते हैं उनके साथ में उनका लव अफेयर था उसके लिए उन्होंने लिखा था एटीन ट्वेंटी में ही वेंट नेपल्स वो नेपल्स चले गए थे देन रोम देयर ही पासड अवे इन एटीन ट्वेंटी वन और एटीन ट्वेंटी वन में ही एटीन ट्वेंटी में वो गए थे नेपल्स पहले वो नेपल्स गए और उसके बाद वो गए थे रोम और 1821 में ही उनकी डेथ हो गई थी हियर लाइज वन हुज नेम वाटर ये उनके इट इज रिटन अबाउट हिम एंड एंडीमियन 1818 इट वॉज बेस्ड ऑन ड्राइटन्स द मैन इन द मून एंड फ्लैचर्स फेथफुल शेफर्ड्स फ़र्स्ट लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी तो जो एंडीमियन जो उनका वर्क है 1818 में ये पब्लिश हुआ था इट वाज रिटन इन 1818 एंड इट वाज बेस्ड ऑन ड्राइटन जो ड्राइटन थे उनका वर्क था द मैन इन द मोन और फ्लैचर की द फेथफुल शेफर्ट्स इन दोनों से उन्होंने इंस्परेशन लेकर एंडीमियन वर्क लिखा था इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ एंडीमियन एंडीमियन की जो स्टोरी है वो इस तरह से है इट्स अबाउट एंडीमियन दी शेफर्ड प्रिंस ऑफ माउंट लैटमॉस तो माउंट लैटमॉस के जो शेफर्ड हैं उसका नाम है एंडीबियन एंड सिंथिया फॉल्स इन लव विद हिम और सिंथिया जो है वो उससे प्यार करना शुरू कर देती है इट्स एन एलेगरी और ये एक एलेगरी है एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी में पीरियड ऑफ फाइनेस्ट पोएम एंड ग्रेट ओट्स जब एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी की बात करें तो उन्होंने काफ़ी फाइनेस्ट पोइम्स लिखे और ग्रेट ओड् रोड इस उन्हटीन एटीन में ही जो है वो आ, उसका सेकेंड नेम है इन एटीन एटीन एंड बेस्ड ऑन बोकेसियोज डेकमेरन और ये बोकेसियो का जो वर्क है डेकमेरन इस पर बेस्ड है लेमिया उनका वर्क है द स्टोरी ऑफ शेफ सरपेंट वुमेन तो जो लेमिया है वो एक सर्प एंड वुमेन के बारे में है फ्रॉम बर्टन्स दी ऑफ मेलेंकली तो उनका जो वर्क है दी ऑफ मेलेंकली बर्टन का uh, उस उस पर बेस्ड है लेमिया द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एटीन नाइनटीन फाइनेस्ट नेरेटिव पोइम अ टेल ऑफ इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स ये जो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है ये दो लवर के एलोटमेंट पे लिखी हुई पोम है बाई जॉन कीट्स टू अनफिनिश्ड पोएम दो उनकी अनफिनिश्ड पोएम्स uh, भी हैं पहली जो है वो ईव ऑफ सेंट मार्क एंड अनफिनिश्ड एपिक ही ओड्स आर ओड टू नाइटिंगल ओड ऑन ग्रेशियन अर्न टू साइकी एंड ऑन मेलेक् कुछ यहां पर अदर पॉइंट हैं दिस पीरियड ऑफ ग्रेट पोलिटिकल एक्टिविटी ये जो पीरियड था वो काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इसमें हुई थी इसमें एक जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट साउथी उनकी पोइट्री है 1798 में लिरिकल बैलेट्स के टाइम पर ही आई थी जॉन ऑफ आर्क तो जॉन ऑफ आर्क हो गया थैल्बा द डिस्ट्रॉयर इन 1801 एंड कर्स ऑफ कहमा इन 1810 एंड एंड द लॉस्ट ऑफ द गोट्स इन इट केम सम प्रोज वर्क्स वर देयर हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील ही रोट द हिस्ट्री ऑफ पैनस वॉर एंड द लाइफ ऑफ नंट अगले पॉइंट हैं कंट्रीब्यूटेड इन दी एग्जामर एंड द इंडिकेटर उन्होंने कुछ जो पीरियाडिकल्स थे उस टाइम पे एग्ज़ामिनर और द इंडिकेटर में उन्होंने काम किया था हिज मेमोरेबल वर्क वॉज द रेमनी एंड शोटर पीसेस द नायल एंड अबूबैन एडम ये उनके वर्कस थे Thomas Moore, he was an Irish writer. Uh, he was uh, an Irish writer, best known for Lala Rook. It came uh, in 1817. His political satires are The Two Penny Postback, The First Family in Paris, and Fables for the Holly. Thomas Campbell work with the new monthly magazines and सो थॉमस कैंपल ने न्यू मंथली मैगजीन के साथ में काम किया था प्लेजर ऑफ होप गर्ट्यूड ऑफ द पिलग्रिम ऑफ ग्लैंडो द बैटल ऑफ बाल्टिक ये इनके वर्क थे नेक्स्ट इज सैमुअल रॉजर द प्लेजर ऑफ मेमरी कोलम्बस एंड जैकलिन ये इनके वर्क थे अनदर सेकेंड जनरेशन पॉइट आर चार्ल्स लैम 1775 1834 एंड ब्रिजिट इलिया उनकी एक उनका वर्क है ब्रिजिट एलिया हिज सिस्टर शी हैड अटैक्स ऑफ मैडनेस उनकी जो ब्रिजिट एलिया उनकी सिस्टर थी वो उनको मैड अटैक्स आते थे मैडनेस के अटैक्स आते थे मैरी लैम वॉज द एक्चुअल नेम ऑफ हर टेल्स फ्रॉम देक्सपियर ही रोट ही को जो टेल्स फ्रॉम हिस्सपियर थे ये जो वर्क उनका है ये उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ में मिलकर लिखा था स्पेसमैन ऑफ इंग्लिश ड्रोमैटिक पोइट्स हुउट दाइम ऑफ शेक्सपियर इन एटीन जीरो एट तो उनका एक वर्क है स्पेसमैन ऑफ इंग्लिश ड्रोमैटिक पोइट्स ये उनका वर्क था जो एटीन जीरो एट में आया था दिस वर्क मेड हिम अ क्रिटिक और इस वर्क की वजह से उन्हें एज अ क्रिटिक उनको एक प्लेस मिला देन रोजम ग्रे वाइल्ड एक्सकर्सन इन टू फिक्शन तो उनका ये एक फिक्शन है एडवेंचर ऑफ यूलिस इट वॉज अ होमरिक स्टोरी सो एडवेंचर ऑफ यूलिस वॉज अ होमवर्क स्टोरी मिसिस लेसेस्टर स्कूल कोऑसर्ड विद हिस्स सिस्टर ये भी उन्होंने अपने सिस्टर के साथ में कोऑसर्ड किया था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की तरह जॉन वुडविल एटीन जीरो टू ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंट ही में हिज़ फर्स्ट एसे वॉज पब्लिश इन दी लंडन मैगज़ीन इन एटीन जीरो टू उनका जो फर्स्ट ऐसे था वो दंडन मैगज़ीन में एटीन में पब्लिश हुआ था हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एसे केम इन एटीन ट्वेंटी थ्री एंड ही यूज ईलिया फॉर राइटिंग एसेज सो इट इज़ आस्ट सेवरल टाइम दैट वॉट इज दिन नेम ऑफ चार्ल्स लैम फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एसे केम इन एटीन ट्वेंटी थ्री द लास्ट एसेज ऑफ इलिया एटीन थर्टी थ्री एंड दिस वॉज हिज सेकेंड वॉलीम ही इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसीएसट तो उन्हें प्रिंस कहा जाता है इंग्लिश एसीएसट के बीच में एंड

वो उस टाइम पर ऑक्सफोर्ड में थे और इस पैम्फलेट को लिखने की वजह से उन्हें एक्सपेल कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था क्वीन मैप उनका दूसरा वर्क है 1813 में आया था एंड एटीन फोर्टीन फर्स्ट पोलिटिकल वर्क बाय पी शेली शैली अलेस्टर एटीन फिफ्टीन में आया था फुल ऑफ यूथफुल आइडियलिज्म ये जो दो वर्क थे क्वीन मैप एंड द अलेस्टर ये दोनों के दोनों फुल ऑफ यूथफुल आइडियलिज्म थे लास्ट फोर ईयर्स एटीन एटीन टू एटीन ट्वेंटी टू स्पेंड इन इटली तो उन्होंने इस टाइम इटली में टाइम बिताया था एंड मोस्ट प्रोलिफिक डेज इस टाइम पर उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क अपने लिखे थे प्रोमिस अनबाउंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है उनका द ग्रेट लिरिक लिरिक ड्रामा ये काफ़ी आ, बड़ा उनका लिरिक ड्रामा है हिज फाइनेस्ट लिरिक्स आर हिया ओ टू वेस्ट विंड एंड टू द स्काई लार्क इन एटीन ट्वेंटी क्लाउड इन एटीन ट्वेंटी शेलीज एडानिस इज फेमस ए इन एटीन ट्वेंटी वन एंड आर्थे एटीन ट्वेंटी ओ टू नेपल्स हिम टू अपोलो ओ टू लिबर्टी सो दीज आर हिज odes and important works hellas hellas was written in 1822 inspired by greek revolution and the tri triumph of life left incomplete by poet's death so shelley's death was the cause that it, it was incomplete work and Epip Epipsychidion, if we talk about that it was the poem of ideal love alastor बियर्स दी ऑथेंटिक स्टाम्प ऑफ शैली इज़ पोइटिक जेनियस जो अलेस्टर है ये वर्क इससे हमें शैली के पोइटिक जेनियस के बारे में पता चलता है सो वन ऑफ इज़ बेस्ट वर्क हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज़ अबाउट एप्सल्यूट ब्यूटी कैन नॉट बी फाउंड इन दी कॉन्क्रीट वर्ल्ड तो जो एब्सल्यूट ब्यूटी है उसके बारे में उनका कहना था शैली का कहना था कि वो इस वर्ल्ड में नहीं मिल सकती द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम उन्होंने लिखा था इट वॉज अ पैशनेट प्ली फॉर फ्रीडम विद फाइन इमेजरी तो उन्होंने ये एक पैशनेट uh, प्ली है उनकी तरफ से फ्रीडम के लिए एंड जूलियन एंड द मेडालो इन 1818 एटीन इम्प्रेशन ऑफ वेनिस एंड द ग्रेट पोइट बायरन एंड रिटन इन हेरोक कपलेट उन्होंने हेरो कपलेट यूज़ किया था जूलियन एंड मेडेला मेडिलो को लिखने के लिए लाइंस रिटर्न अमंग द एगेनियन हिल्स एंड द नेक्स्ट वन इज देंसी एटीन नाइनटीन में ये वर्क आया था अवर्स ड्रामा रिमार्केबल फॉर ट्रेजिक पावर और ये ट्रेजिक पावर के बारे में लिखा गया था द विच ऑफ एटल्स एटीन टवेंटी द विच इज़ अ ब्यूटिफुल गॉडेस तो इसमें जो विच है वो एक ब्यूटिफुल गॉडेस है थॉमस डिक्विंसी ही इज़ अ वॉल्यूमनेस राइटर ऑफ ग्रेट वर्स अटैलिटी वॉल्यूमनेस राइटर हैं काफ़ी सारा उन्होंने लिखा है दी कन्फेशन ऑफ एन ओपियन रिटर बहुत फेमस वर्क है उनका विद द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस वर्क इज़ लिटरी करियर स्टार्टेड इन एटीन ट्वेंटी वन उनका जो लिट्ररी करियर था थॉमस डी क्विंसी का एटीन ट्वेंटी वन में द कन्फेशन ऑफ एन ओपियन ईटर के साथ में शुरू हुआ था he used his past experiences and his great imagination. उन्होंने अपनी जो past experience थे और imagination का combination करके ये work लिखा था. The dialogues of three Templars. He displays his passion for logical analysis. तो ये जो work है उनका, the dialogue of three Templar Templars. इसमें उन्होंने logical analysis के बारे में लिखा है. Suspiria de profundis. शोड हेज विजुअलाइजिंग पावर तो उन्होंने विजुअलाइजिंग पावर के बारे में जिसमें लिखा था हिस्सिटिकल वर्क उनके जो क्रिटिकल वर्कस हैं वो ये हैं लिटरी रेमनि ऑन द नॉकिन एट द गेट ऑफ मैकबेथ इन एटीन ट्वेंटी थ्री मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स इन एटीन ट्वेंटी सेवन शोड हेज ग्रॉटस्कूम लेटर टू दंग मैन इन एटीन ट्वेंटी थ्री joan of arc in 1827 the revolt of the tartars in 1840 the english mail coach in 1849 his autobiographical sketches confession of an english opium eater in 1821 joan Coach autobiographical sketches हैं, important है, confession of an english opium eater 1821 may आया था सुस्परिया डिप्रोफिंडस अभी हमने बात की थी 1845 में रिकॉर्ड ऑफ ग्लूमी एंड टेरिबल ड्रीम्स प्रोड्यूस्ड बाय दी ऑपियट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो भी आप लोगों को यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलते हैं इन्हें आप याद कर लीजिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस इन 1853 अ सीरीज ऑफ नियरली थर्टी आर्टिकल्स इसमें उन्होंने 30 आर्टिकल्स लिखे थे इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं आपके सर वॉल्टर स्कॉट तो ये हैं आपके बारे में वॉल्टर स्कॉट के बारे में तो जब हम वॉल्टर स्कॉट के बारे में बात करते हैं तो जो, जो सबसे पहले माइंड में आता है वो है आपका वेवरली नॉवल्स ये पूछा जाता है किसकी नावल्स को वेवरली नॉवल्स कहा जाता है तो वो हैं आपके सर वॉल्टर स्कॉट ट्वेंटी सेवन नॉवल्स एंड फाइव टेल्स उन्होंने जो टोटल आ, लिखे हैं वो लिखे थे आपके ट्वेंटी नैरेटिव उन्होंने इसे जो नॉवल है उसे फिक्शस नैरेटिव कहा था स्कॉट वॉज द फाइनेस्ट नॉवलिस्ट टू रिक्रीट द पास्ट। मारिया एजवर्स 1767 सिक्सटी सेवन एंड एटीन फोर्टी नाइन एंड शी कन्फाइंड हर सेल्फ़ टू दिमिटेड उन्होंने डोमेस्टिक सर्कल्स के बारे में लिखा था हर uh, स्टोरीज were कलेक्टेड इन द टू volumes, उनकी जो स्टोरीज़ थी वो दो volume में आई थी the parents assistance असिस्टेंस एंड early लेसंस हर अदर वर्क्स उनकी कुछ वर्क्स थे जो अगर हम बात करें स्टोरीज़ की So, Cashel, rack rent eighteen hundred. The absentee eighteen zero two, and almond in eighteen seventy. Novels. only they Leonora, Patronis, and Harrington. In these years, next is Thomas Love Peacock. His poems are collected in Palmyra. So, Palmyra. So, Palmyra is his collection of uh, poems. And uh, his, uh, his novels seven novels he wrote uh, Headlong Hill in 1816 and Nightmare Abbey uh, this is important 1818 the Misfortune of Elphin, Grill Grange in 1860 Malicourt 1870 Meet Marion, 1822 uh, Crossell Cashel in 1831 and uh, in his novel he criticized Romanticism. और अपनी जो नोवेल थी उनकी उन्होंने रोमांटिसिज्म को क्रिटिसाइज किया था सो दिस इज़ द एंड ऑफ रोमांटिक पीरियड होपफुली यू हैव लर्नड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ़ यू वांट द नोट्स यू कैन कांटेक्ट मी ऑन 7409287156 ऑन व्हाट्सएप Thank you for watching. See you in next lesson.